एक्सेस VNIT मध्य भारत का सबसे बड़ा तकनीकी उत्सव 7 अप्रैल 2023 को विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू होने वाला है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम काफी रोमांचक होने का वादा करता है, जिसमें उपस्थित लोगों के लिए कई रोचक गतिविधियां और प्रदर्शनियां हैं। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान VNIT के डायरेक्टर पडोले द्वारा दी गई है। 7 अप्रैल को उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा, जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस की CEO और MD श्री अतुल दिनकर राणे और मार्गदर्शन के लिए दृष्टि फाउंडेशन के मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान की सम्मानित उपस्थिति होगी। 8 और 9 अप्रैल को भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और इनसाइड FPV की प्रदर्शनियां दिखाई जाएंगी, जो VNIT और अन्य कॉलेजों और स्कूलों के छात्रों के लिए खुली होंगी। प्रदर्शनियों को नवीनतम तकनीकी प्रगति और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है, जो छात्रों को इन सम्मानित संगठनों के विशेषज्ञों के साथ सीखने और जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पहले तो मैं आप सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, और हिंदी और मराठी में आपको बारी बारी बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्सिस 23 के बारे में। आप सबको पता है कि VNIT ये मध्य भारत का एक सबसे बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, और इसमें एक्सिस जो प्रोग्राम होता है वो बहुत पॉपुलर और स्टूडेंट्स में जाना माना प्रोग्राम है। और पिछले कई सालों से एक्सिस का आयोजन VNIT में किया जाता है। कुछ साल पहले 2020 के बाद में ये पहली बार अभी कोरोना के बाद में ये फिज़िकल मोड में हम लोग एक्सिस जो टेक्निकल इवेंट है वो हम करने जा रहे हैं, और इसका इनॉग्रेशन 7 तारीख को अतुल दिनकर राणे जो CEO है ब्रह्मोस के, उनके हाथों से होने वाला है। और उसी दिन विजेंद्र सिंह चौहान जो कि IS ऑफिसर है और मोटिवेटर है, और दृष्टि जो एक चैनल होता है उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल टॉक देते वो भी उस दिन रहने वाले हैं। और ये इवेंट जो है 3 दिन चलेगा, 7, 8 और 9 को। उसकी विशेषता ऐसी है कि इसमें टेक्निकल जो प्रोग्राम्स है अलग अलग, जो कि रोबोटिक्स पर है, AI ML, जो नई टेक्नोलॉजीज है ड्रोन्स, उसके ऊपर स्टूडेंट्स वहाँ पे एग्जिबिट करने वाले। और एक विशेषता ऐसी है कि इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का वहाँ पे एग्जिबिशन रहने वाला है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पे रखेंगे। और गेस्ट लेक्चर्स जो है वो भी 9 तारीख को होने वाले हैं, जिसमें कि मुकेश जैन जो Capgemini के है उनका गेस्ट लेक्चर होने वाला है। वैसे तरंग पौराणिक की जो VNIT का छात्र है, मतलब एलुमना है, उसका भी लेक्चर होने वाला है। उसी के साथ में कल्पित भवाड़कर ये भी यहाँ पे लेक्चर देने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये 3 दिन जो रहने वाले हैं वो अलग अलग इवेंट्स से परिपूर्ण रहने वाले हैं। तो मैं आप सबको यहाँ आने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद है कि यह आयोजन छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी की दुनिया में व्यवहारिक अंतर्दृष्टि हासिल करने और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ जुड़ने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। गतिविधियों और प्रदर्शनियों की अपनी विविध श्रेणी के साथ एक्सिस VNIT सभी उपस्थित लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होने का वादा करता है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।